नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करते हैं ये 9 यूरोपियन जो स्टेट वहाँ की कंट्रीज हैं उन्होंने ग्रीन पास दे दिया है जो इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन है। जैसे कि इंडिया की कोविड वैक्सीन जो भारत बायोटेक बना रही है अभी तक उसको ग्रीन पास नहीं मिला था। अगर हम ग्रीन पास बारे में थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल समझने की कोशिश करें तो ग्रीन पास का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, अगर आप यूरोपियन कंट्री की जितनी स्टेट वहाँ पे कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की, आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको एक वहाँ पे एयरपोर्ट पे एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जो कि कोविड कोविन ऐप है ना आपका, जिससे आप कोविड-19 के वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ पे वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो उसके बारे में जो है अभी तक यहाँ पे ग्रीन पास नहीं था। अभी जो इंडिया कोई ट्रेवल कर रहा था वहाँ पे तो उनके लिए वहाँ पे अभी ये जो कोविड शील्ड है उनकी लिस्ट में नहीं था। तो अब जो जाके वहाँ पे अब इसका ग्रीन पास दे दिया गया है, तो ये जो है बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। तो जैसा कि अभी देखते हैं तो कोविशील्ड जो कि भारत बायोटेक कंपनी जिसने बनाया था और यहाँ पे ग्रीन पास जो रजिस्ट्रेशन कर दिया है 1 जुलाई से। अभी तक इसके पहले कंट्रोवर्सी थोड़ी चल रही थी। अगर हम बात करें तो कई कंट्री ने दिया है वहाँ पे कि ऐसा है कि इन्होंने मतलब कंट्री बहुत सारी हैं, अभी 27 कंट्री जो है वहाँ पर बात चल रही है। तो 7 ऐसी कंट्री हैं, 7 यूरोपियन यूनियन कंट्री जो हैं ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोविया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन और स्विट्जरलैंड, उन्होंने तो क्लियरली इस पर अभी वहाँ पे अनाउंस कर दिया है, वो नोटिफाइड कर दिया है कि इंडिया का कोई भी पर्सन यहाँ पे आता है तो उनको अब ये इन्होंने अपनी लिस्ट में इसको कोविशील्ड को रख लिया है। अभी क्या था ना कि अगर वहाँ पे कोई पर्सन ट्रेवल करता है तो एयरपोर्ट से उसको वापस आना पड़ेगा, मतलब वो उनकी लिस्ट में नहीं था। अभी ऐसा कर रहे हैं ना, देखिए कोविड-19 अभी देख रहे हैं आउटब्रेक इसका चल ही रहा है, अभी बहुत सारे देशों में डेल्टा प्लस वेरियंट ब्रिटेन में देखा गया, आपको देखने वहां पे कितने तबाही मचा रहा है। तो वहां पे लोगों को अब इस बात का डर है कि एक ग्रीन पास होना चाहिए जो वैक्सीनेशन जिनको लग गया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने पहले ही कर चुकी थी, वो कंट्री तो बाद में इन्होंने स्टार्ट किया कि हम ग्रीन पास देंगे तभी हम एंट्री देंगे किसी भी सिटीजन को। वहां की जो यूनिवर्सिटी वगैरह है वो तो काफी टाइम पहले ही मतलब उन्होंने कर दिया था कि जो है जो वैक्सीन लगा के आएंगे जो सर्टिफिकेट दिखाएंगे हम उन्हीं को एंट्री देंगे अपनी कंट्री के अंदर। तो वहां पे फिर ये जो होता गया तो अब जाके इंडिया को इसमें भी नहीं दे रहा था इन लोगों ने, तो अब इंडिया को भी इन्होंने कोविड-19 कोविड जो है वैक्सीन जो है कोविड से जो कि इंडिया की वैक्सीन यहाँ पे है हमारा आत्मनिर्भर भारत से और भारत बायोटेक ने इसको भारत की कंपनी ने बनाया है, तो अब 9 यूरोपियन कंट्री जो है इस पर एक्सेप्ट कर लिया है जैसे कि अभी बोला था और उन्होंने अलाउ कर दिया है। और भी कंट्रीज पे इस पर बात चल रही है, अभी वो 1-2 दिन में मतलब सारे क्लियरली वहाँ पे कर देंगे। और इसमें क्या हो रहा है कि आपको अगर ग्रीन पास जैसे जानना है तो आप यहाँ पे कोविन पोर्टल पे आप जाते हैं, वहाँ पे आपको सिंपली वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे। तो ये देखिए, जैसे आपको देखा नहीं होगा स्टेट से मोदी के वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी होती है साइड में, और बहुत सारे स्टेट में अपना अलग अलग सीएम की फोटो लगी रहती है, तो वहाँ पे देखा नहीं जो सर्टिफिकेट लगा रहता है कि आप सर्टिफाइड हो चुके हो, 1 डोज ले चुके हो, 2 डोज ले चुके हो, वो पूरा उस पर क्लियरली रहता है। वहाँ पे यूरोपियन यूनियन का एक डिजिटल पास था और इंडिया का जैसे अभी आप पास देख रहे हैं सॉफ्ट कॉपी भी हार्ड कॉपी भी दोनों आता है। तो ये आपको वहाँ पे बस ये दिखाना होता है कि हम जो है हम वैक्सीनेट हो चुके हैं। और 29 नेशन का ग्रुपिंग जो है यूरोपियन यूनियन जैसे आपको पता ही है वहाँ पे इसकी तक क्लियरली चल रही आगे। और यहाँ पे क्या हो चुका है कि अभी कल क्या हुआ कि न्यू दिल्ली जो भारत सरकार यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर आप यूरोपियन यूनियन की कंपनी जो है वहाँ पे आप अपन नहीं दे रहे हैं हमारे कोविशील्ड को जो भारत की कंपनी बनाई है, आप अगर इसको ग्रीन पास में अपने उस लिस्ट में नहीं रखते जहाँ पे सबको आप ग्रीन पास दे रहे हो जिस इसको वैक्सीन को, तो हम भी ऐसा करेंगे जो आपके यहाँ यूरोपीय से बने हुए जो कोविड वैक्सीन है हम उनको भी नहीं देंगे यहाँ से, अब इसको हम हटा देंगे लिस्ट से बाहर। और जो भी लोग आएंगे अब लिस्ट से बाहर हटा देंगे तो इसका मतलब जो भी लोग आएंगे वो 14 दिन के क्वारंटाइन पे रहेंगे यहाँ पे। तो तुरंत इसको देखने के बाद तुरंत यहाँ पे न्यूज आने लगी कि जो है वहाँ पे उन्होंने कोविशील्ड को वहाँ पे अपने जो ग्रीन पास दे दिया है और डिजिटली जो वहाँ पे पास दे रहे थे सर्टिफाइड कोविन के थ्रू अब सारे उन्होंने अपने लिस्ट में तुरंत शामिल कर लिया। और हम बात करें ना कि कौन कौन सी वैक्सीन, तो जो यहाँ पे कोविनिटी वैक्सीन है फाइजर बायोटेक दोनों ने मिलकर बनाया है, और मोडेना जो वैक्सीन जेरविया एस्ट्राजेनिका की जो है वहाँ पे वैक्सीन, और जैसेन जो जॉनसन एंड जॉनसन की कंपनी, यहाँ पे इन्होंने जो वैक्सीन बनाई है इन्हीं 4 को दिया है। अब 5वीं जो है वहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन है। अभी हम बात करें ना स्पुतनिक 5, वहाँ वो भी नहीं दिया है यहाँ पे, अभी तक एंट्री किया है इसमें, अभी स्पुतनिक 5 का वहाँ पे नहीं दिया है। ओनली 4 वैक्सीन जो है उन्हीं को वहाँ पे बोला गया है कि ये ग्रीन पास है, मतलब ये वैक्सीन जो डोज लिए हैं जो दोनों डोज लिए हैं वही उस कंट्री में जब एंट्री करेंगे तो उनको वहां पे ट्रेवल करने का पूरी अथॉरिटी रहेगी, अदरवाइज वो वहां पे जो एयरपोर्ट पे वहीं पे रोक लिया जाएंगे। और एक कंट्रोवर्सी इससे हुआ ना कि इंडिया ने सिंपली बोल दिया अगर आप हमारे वैक्सीन को आप यहां पे नहीं दे रहे हैं पास तो हम आपके वैक्सीन को पास यहां पे नहीं देंगे। फिर क्लियरली इसी पे जो जाके वहां पे यूरोपियन यूनियन के काफ़ी मेंबर्स जो हैं 9 मेंबर्स ने जो कि वहाँ पे अभी नोटिफाई कर दिया है कि हमने जो है अब वहाँ पे हम
इनको ग्रीन पास दे रहे हैं इंडिया की कोविडशील्ड वैक्सीन को। तो अब जैसे कि आप देखिए कि अगर ये कुछ अभी ना देखिए कुछ दिन अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पे देखिए आधार पुना वाले ने भी कहा था, इन्होंने कहा था कि वो कुछ मंथ के कॉन्फिडेंस मतलब यहाँ पे देखा कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो है वहाँ पे, वो मेडिकल एजेंसी जो है यूरोपियन मेडिकल एजेंसी, उनका देखा ना कि अप्रूव कोविडशील्ड को कर देंगे, क्योंकि उनको मतलब ये कहना था वो कई सारे वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं आधार पुना वाला जो है सीरम इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं जो ओनर हैं वो, उन्होंने बोला था जो एस्ट्राजेनेका का डेटा है और जो कोविशील्ड का डेटा है वो मोर और लेस जो है वो सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो फिर उसमें देने में जो उसका ग्रीन पास देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और इसका उन्होंने एश्योरेंस भी दिया था अभी ट्वीट करके 2 दिन पहले भी, मतलब कल ही इन्होंने ट्वीट करके इस पे एश्योरेंस दिया था कि हाँ ये हम खुद इस पे एक डिप्लोमेटिक तरीके से बात करेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नुकसान आने वाले नहीं है, ये एक तरीके से पास दे ही देंगे। क्योंकि देखिए अभी यहाँ अप्लाई जो इंडिया ने अप्लाई भी थोड़े लेट किया था, क्योंकि क्लिनिकल 3 जो ट्रायल 3 था वो फेज 3 का ट्रायल जो है ना उसका रिजल्ट थोड़ा बाद में आया था, तो अब उसका रिपोर्ट जब आएगा फिर हम उस पर अप्लाई किए, तो स्लोली स्लोली प्रोसेस से वहाँ पर जाते हुए यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने वहाँ पर इसको अब जाके क्लियरली अपने लिस्ट में शामिल कर दिया है कि जो भी लोग कोविडशील्ड वैक्सीन ली है, जिन्होंने कोविडशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज ली है, वो जो है अब वहाँ पे पूरे यूरोपियन यूनियन कंट्री जितनी हैं वहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये अब उन्होंने इसका स्टार्टिंग कर दिया है, अब जाके अभी तो 7 कंट्रियों ने अनाउंस कर दिया है और 9 कंट्रियों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, अब बाकी कंट्रियों पे इस पर बात चल रही है जहाँ 1 से 2 दिन के अंदर सारे इस पर क्लियरली रिपोर्ट्स आ जाएंगे। और सिंपल सी बात है आप समझ रहे हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में जितनी अभी चीज़ें चल रही हैं आप उसके बारे में पढ़ते रहिए और जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की उसको भी ध्यान देते रहिए, अभी कोरोना गया नहीं है, अभी फाइट अभी बाकी है और वैक्सीन को जरूर लें आप, जो भी चीज़ें कोविड-19 वैक्सीन के तहत आप जो भी चाहते हैं कि डाउट है वो पूरी पूरी तरीके से डाउट को क्लियर करें, डॉक्टर से बात करें और जो वैसे एक्सपर्ट बनते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आ जाते हैं प्रोफेसर बन के कि वो मैसेज में ऐसा कहा जा रहा था ऐसे मैसेज में वहाँ कहा जा रहा था, बिल्कुल उस पर ध्यान ना दें, अपने तरीके से इसको वेरीफाई करें और मास्क का यूज़ करें और जितने भी तरीके से गाइडलाइंस हमने बात की ना उस पर जरूर ध्यान रखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियोज़ को आपको अपडेट मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।